नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और गेट टुगेदर पार्टीज घरों में चलती रहती हैं, और जब पार्टीज हो, कॉकटेल पार्टीज हो, कोई भी गेट टुगेदर हो, आप ये स्नैक्स बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनते हैं, मिनटों में बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाना पैन हमने रख दिए। ये रेसिपी को बनाना बहुत ही ईजी है। हमने पैन ले लिया, गैस को हमने नीचे से कर लिया ऑन। इसमें डालेंगे हम एक टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो घर पे, वो आप यूज़ कर सकते हो उसमें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और साथ में डाल देंगे इसके शिमला मिर्च। तो दो चम्मच हमने प्याज डालने हैं और दो चम्मच हमने इसमें शिमला मिर्च के डाल देने हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे स्वाद बहुत एनहांस हो जाएगा। हमने आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, इसको हमने हल्के से इस तरह से काटे कर लेना, बिल्कुल हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा हमें इसको कलर इसका हमने चेंज नहीं करना। इस तरह से हमने इसको हिला लेना है, गैस का फ्लेम हल्का रखेंगे और इसमें डाल देंगे हम चार उबले हुए मैश किए हुए आलू। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैं जो इसमें 1/3 स्पून से हल्का सा ज़्यादा नमक डालूंगी। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें 1/3 स्पून के करीब लाल देगी मिर्च, 1/3 स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे 1/3 स्पून के करीब जीरा पाउडर। जीरा पाउडर के बाद इसमें डालेंगे 1/3 स्पून के करीब काला नमक, इससे टेस्ट बहुत थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे। इस तरह से मैश करेंगे हल्का हल्का, और बिल्कुल भी इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर लेंगे और इसको बस आधे मिनट के लिए हमने इसी तरह से गैस में रखना है। लीजिए, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसमें कोई भी अपनी मर्जी का वेजिटेबल्स डाल सकते हो, चाहे तो आप इसमें कॉर्न्स ऐड कर सकते हो, पनीर डाल सकते हो, जो आपका मनपसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसको गैस को बंद कर दिया, गैस से हमने इसको रिमूव कर दिया। इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम ले लेंगे एक छोटी सी कटोरी, इसमें हमने आधा एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, और लीजिए ये पेस्ट हमारा बन के रेडी। ये पेस्ट जो है ग्लू का काम। अब हम ले लेंगे एक पापड़, इस तरह से पापड़ जो है बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। मैंने जो है ये जीरा पापड़ लिया है, आप चाहें तो काली मिर्च वाला पापड़ ले सकते हो, जो आपको पसंद हो, जितना स्पाइसी पसंद हो उस तरीके से आप जो है पापड़ ले सकते हो। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो आप काली मिर्च वाला, तेज़ काली मिर्च वाला भी ले सकते हो। इसके अंदर डालेंगे, ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे एक चम्मच पानी का, उसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे, हाथ से स्प्रेड कर ले, ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होगा। दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और इस साइड भी हम इसमें एक चम्मच पानी का घेर लेंगे और अच्छे से इसको भी इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पापड़ जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपनी स्टफिंग, इस तरह से इस पर स्टफिंग डाल, स्टफिंग को इस तरह से हम स्प्रेड करेंगे, और ये जो हमने ग्लू बनाई है, ये ग्लू, इसको हम सारी तरफ लगा लेंगे। अच्छा, ये सब तरफ हमने ये ग्लू लगा लेंगे, यानी कि जो स्लरी हमने बनाई है वो स्लरी हम इस तरह से सारी तरफ लगा लेंगे। इस तरह से, तो लीजिए हमने इस तरह से स्लरी लगा लेनी है, इसको इकट्ठा करना है, और ये पापड़ को यहाँ से पकड़कर इस तरह से इसको
फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से इकट्ठा करेंगे और एक बार दोबारा फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे और ये स्टिक हो जाएगा। इस तरह से मोड़ेंगे और इसको भी इस तरह से चिपका लेंगे, कुछ ही देर में आप देखेंगे ये स्टिक हो जाएगा इसके साथ। इस तरह से इसको पकड़ कर रखें, हल्के हाथ से दबाएं और ये चिपक जाता है। जब ये इस तरह से चिपक जाए तो थोड़ी सी स्लरी हम इस साइड पे और लगा देंगे इस तरह से और इसको मोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। 2 मिनट के लिए इसको पकड़ कर रखेंगे, ये स्टिक हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे, पकड़ कर रखेंगे और ये भी स्टिक हो जाएगा, इसको मोड़ लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमने सारे रेडी कर लेंगे। एक और तरीके से आप इसको बना सकते हो, इसको जो है हम इसमें से बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए हल्के हाथ से इस तरह से रखेंगे, इस तरह से इसको मोड़ेंगे, ये देखो इस तरह से। इस तरह से इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से हल्का से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे बाहर और इस तरह से इसको स्लरी लगा देंगे। इसमें क्या होगा कि आपको पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखिए अच्छे से स्लरी लगा देंगे। 2 मिनट पकड़ के रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से भी स्टफिंग इसको कर लें अच्छे से, हल्का हल्का आप चाहें तो इसमें पानी लगा सकते हो, इस तरह से चारों तरफ थोड़ी सी स्लरी भी लगा लीजिए और इसको इस तरह से बंद कर लीजिए। 2 मिनट पकड़ कर रखिए, और ये आपका तैयार, ये समोसा स्टाइल ट्रायंगल आपका तैयार। इसी तरह से हमने सारे बना लेने हैं और रेडी कर लेने हैं। एक पैन ले लेंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम अपना डाल देंगे, इस तरह से डालेंगे, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। इसको साथ में ही मोड़ लेंगे, ये देखिए आप देखोगे कि साथ में ये बनने लगा, ये देखिए अच्छा ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसको अपने जितना आपने क्रिस्पी करना हो क्रिस्पी करें और इसको फिर निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लें और फिर इसको आराम से निकाल लीजिए, इतना से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इसको निकाल लें। बहुत ही इजी स्नैक्स हैं और बहुत ही यमी स्नैक्स हैं। आपके घर में कोई भी कॉकटेल पार्टी हो, कोई भी दिवाली पार्टी हो, इसको इस तरह से बना सकते हो। ये देखिए पापड़ हैं, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इस तरह से इसको मोड़ लें और ये बनकर तैयार, और इसको साथ में ही निकाल लीजिए। ये देखिए ये वही शेप ले लेंगे, इसको निकालें और इसको उसी शेप में रख दें तो उसी शेप में जो है ये फिट रहेंगे। इसी तरह से हमने सारे बना लेने हैं और रेडी कर लेने हैं। ये समोसा शेप वाला, ये शेप भी बहुत ही बढ़िया लगती है, ये देखिए झटपट से ये क्रिस्पी हो जाएगा। इसको निकाल लें और इसी तरह से बनाकर सर्व तो लीजिए। जब भी मन हो को चटपटा खाने का तो इसे बनाएं, खाएं और मजा लें। बहुत ही आसान है बनाने और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।